वेलकम बैक क्लेशर्स। यू नो मेरा विलेज वन ऑफ द सेफेस्ट विलेज में से। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर गोल्ड पास अगर क्लैश ऑफ क्लैन में विदाउट परचेस करके खेला जाए तो कितना मैक्स कर पाएंगे, क्या रियली में क्लैश ऑफ क्लैन में गोल्ड पास वैल्यू फॉर मनी कितना ज्यादा हो सकता है और कितना जल्दी हम लोग का बेस मैक्स हो सकता है। और साथ में ही आपके दिए गए कुछ क्वेरी को भी मैं सॉल्व करूंगा, आपके आंसर्स दूंगा। वेल क्लैशर्स, यार आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि आज तक गोल्ड पास कभी ना कभी एक बार भी परचेस की हो। और क्लैशर्स, आज होली भी है तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू आरएस क्लैश फैमिली मेंबर्स। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं दो गोल्ड पास की गिव अवे भी करूंगा, जैसा कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था। पिछले गोल्ड पास के विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर है उसका अनाउंसमेंट कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया हूँ, प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कर लो अपने जीपी क्लेम करने के लिए। और साथ में पिछले जैसे हम लोग गोल्ड पास की गिव अवे किए थे, वैसे ही हम लोग इस बार भी करेंगे। सिंपली आप लोग को सबसे पहला गोल्ड पास का गिव अवे मैं रखूंगा ओल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए। जो भी ओल्ड सब्सक्राइबर है वो कोई भी एक रैंडम कमेंट से लिख के मुझे बता सकते हो, या फिर आप लोग यही तो आप कभी भी गोल्ड पास परचेस किए हो कि नहीं लाइफ में, तो मैं ये गोल्ड पास का विनर तब डिसाइड करूंगा जब इस वीडियो पे 3000 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में ही एक न्यू सब्सक्राइबर के लिए गोल्ड पास रखूंगा, जिसमें आप लोग जो आज के डेट से जब भी 3000 कंप्लीट होता है, यानी आज ही हो रहा है, तो आज ही जो अभी से सब्सक्राइब करेगा वो सब सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर जाएंगे। सिंपली आप लोग को बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है, अगर बेल आइकन प्रेस करते हो तो ही कुछ इस तरह का मुझे नोटिफिकेशन आता है और इन्हीं किसी नोटिफिकेशन के एक रैंडम बंदे को मैं गोल्ड पास दूंगा। तो गाइज, बी श्योर आप लोग जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जो हम लोग का कंटेंट है इस पे आते हैं। सिंपली गाइज, यहाँ पे अभी एक मिनट यार, यहाँ पे क्लैन गेम्स हम लोग का भी लेफ्ट बचा है रिवॉर्ड को सेलेक्ट करना। क्या आप लोगों ने रिवॉर्ड सेलेक्ट कर लिया? तो गाइज, यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज बताऊं, यहाँ पे अगर जो भी मैक्स होता है ना उसको सिर्फ और सिर्फ जिम से मतलब होना चाहिए। तो हम लोग कितना जिम कलेक्ट कर पाएंगे? फर्स्ट टायर से 20 जिम लेते हैं, सेकेंड टायर से हम लोग 50 जिम ले लेंगे। हद है यार, देखो यहाँ पे थर्ड टायर में 40 जिम मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंड टायर में 50 जिम, यानी सेकेंड टायर इज मच बेटर देन थर्ड टायर यार, गजब। चलो कोई बात नहीं, फोर्थ टायर में यहाँ पे हम लोग 40 जिम्स ले लेते हैं, फोर्थ टायर में हम लोग क्या ले सकते हैं, मेरे पास दोनों ही फुल है तो 10 जिम ही ले लेते हैं। फिफ्थ टायर में ये 5 से सेल होता है ना, तो 8 है तो कितना हो जाएगा, तो 5 8 जो 40 हो जाएगा, 40 जिम्स मिलेगा और इसको भी सेल करने पे शायद 20 जिम ही मिलेगा। ओके, मैं यही लूँगा, वोल्डिंग्स ले लेता हूँ, फ़ायदा होगा। और साथ में यहाँ पे 100 जिम्स ले लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। कलेक्ट करते हैं 4000, तो एक और गेम पॉइंट्स या रिवॉर्ड कलेक्ट करने का ऑप्शन बनेगा, तो ये रिवॉर्ड्स हम लोग और ले लेते हैं। वाह परफेक्ट, 170 जेम्स हम लोग कलेक्ट कर पाए और बाकी तो और भी मैजिकल आइटम को सेल करके ले ही सकते हैं, बहुत ही शानदार यार। सीजन भी एंड हो चुका है, वाह रे वाह, क्या बात है। विल प्लेशर्स, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग सबसे पहले गोल्ड पासेस नहीं परचेस करते हो तो लगभग कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखो यार, ये मेरे टाउन हॉल 8 का अकाउंट है ऑलमोस्ट। अभी मैं एक और अकाउंट आप लोग को दिखाना चाहूंगा, ये टाउन हॉल 8 का अकाउंट उसी समय मैं खेलना स्टार्ट किया था जब मेरा ये टाउन हॉल 9 का भी अकाउंट टाउन हॉल 8 में था। यानी आप समझ रहे हो, जब मैं टाउन हॉल 8 में आया था तो वो अकाउंट खेलना स्टार्ट किया, जब मैं टाउन हॉल 9 में आया तो ये अकाउंट खेलना स्टार्ट किया। यानी दोनों का जो टाइम था वो एक ही टाइम था, टाउन हॉल 8 में अपग्रेड किया और इस अकाउंट में टाउन हॉल 9 में अपग्रेड किया। और यहाँ पे आप लोग देखो, इस अकाउंट में मैंने इस मंथ मतलब अभी से लगभग 15 दिन पहले, यानी ऑलमोस्ट जब सीजन स्टार्ट हुआ था, सीजन स्टार्ट होने के 10-12 दिन बाद में जाके गोल्ड पास इस अकाउंट में परचेस किया था, जो सीरीज कर रहा था उसी समय। आप लोग देख सकते हो कितना ही मैक्स होगा उस समय, तो उस समय ही मैं गोल्ड पास परचेस किया था इस अकाउंट में। और अभी का अपग्रेडेशन देखो, वॉल्स और खाली और जितने बचे हुए यहाँ पे ट्रैप्स है ना वही बचे हैं, और अपने जो किंग और क्वीन का जो लेवल है, किंग यहाँ पे आ चुका है 17 लेवल के लिए ऑलमोस्ट, और यहाँ पे क्वीन 18 लेवल के लिए जा रही है, ठीक है।
तो इतना सारा अपग्रेडेशन हम लोग गोल्ड पास के परचेज रहते हुए किए, सारे डिफेंसिव बिल्डिंग और काफी सारे वॉल्स, मैक्सिमम ऑफ जो यहाँ पे लेबोरेटरी में ट्रूप्स है वो भी हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा डार्क लेजर ट्रूप बचा हुआ है। तो ये एक रिजल्ट है आप लोग के सामने जब हम लोग गोल्ड पास को परचेस करते हैं। और ये जो टाउन हॉल 8 का अकाउंट है इसमें देखो कितना सारा अपग्रेडेशन बाकी है, तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग सारे के सारे डिफेंसिव बिल्डिंग बचे हुए हैं ज़्यादातर। हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर मानूंगा कि इस अकाउंट में मैं ज़्यादा गेम प्ले नहीं किया हूँ, बट काफ़ी टाइम में इस अकाउंट में जब भी बिल्डर खाली रहता था मैं अपग्रेड पे लगा देता था कुछ ना कुछ, फिर भी इसको अपग्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है विदाउट गोल्ड पास। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है यहाँ पे टाइमिंग और रिसोर्स का, और मतलब अगर आप जल्दी बेस को मैक्स करना चाहते हो तो अब कितने रफ्तार से आपका यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन में बेसिस मैक्स हो जाएगा। इंप्लीकेशन यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप किसी भी टाउन हॉल में अपना गोल्ड पास परचेस करते हो तो वो टाउन हॉल आपका 20% एट अ सबसे मिनिमम बेसिस पे तो अपग्रेड फास्ट होगा ही होगा। बट क्लैशर्स यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग के साथ साथ ना कॉस्ट और ट्रेनिंग टाइम भी ट्रूप्स का पॉक के तौर पे रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे आप लोग को पॉक देखने को मिलते हैं, और ये पॉक में ना ये सारी चीजें आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है क्लैशर्स। तो गाइज यार यहाँ पे एट अ मिनिमम भी आप देखो ना तो ये सारी चीजों को इंक्लूड कर दो टाइमिंग रिसोर्स को, तो 25% तो मिनिमम ऐसा बनता ही बनता है। 5% एक्स्ट्रा इसलिए लिया हूं क्योंकि आप लोग का ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज करा देता है यहाँ पे गोल्ड पास किसी भी ट्रूप्स को ट्रेंड करने का, और रिसोर्स भी कम लेता है। तो ये सब को भी अगर कैलकुलेट कर दो तो 5% और हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं कि हम लोग को कम टाइम लगेगा जल्दी बेस को मैक्स करने में। सो ये वन ऑफ द वैल्यूएबल चीज तो डेफिनेटली होता है, 25% यानी 1/3 कर देता है आपका अपग्रेडेशन का सारी की सारी चीजें। और यहाँ पे अब एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, यहाँ पे और भी आप लोगों को भर भर के मैजिकल आइटम प्रोवाइड किया जाता है जो कि और भी ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर देता है आपके वेसेस को मैक्स आउट करने के लिए। और ये मैजिकल आइटम तब भी नहीं तो 14x का वैल्यू पैक्स हर सीजन प्रोवाइड करता है। तो गोल्ड पास वन ऑफ द सबसे वैल्यूएबल थिंग्स होता है क्लैश ऑफ क्लैन में, अगर कोई परचेस करता है तो जल्दी मैक्स, इवन यार आप 30-35% तक आप लोग मैक्स कर सकते हो इतने सारे मैजिकल आइटम और पर्क्स को लेकर के मैक्सिमम, यार मिनिमम तो 25 आप लोग कर ही सकते हो। अब क्लैशर्स यहाँ पे बात आ जाता है कि कौन से टिप्स और ट्रिक को हम लोग यूज करके यहाँ पे गोल्ड पास के वैल्यू को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स था जो कि क्लैशर्स काफी मुझसे आस्क करते हो यार आप लोग में से ही कुछ लोग। सबसे पहली चीज जो होता है गाइस, आप जब भी गोल्ड पास परचेस करते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट आप लोग देख लो कि 2-3 वीक के अंदर जाते जाते आप लोग को रिवील होता है 20% सबका पर्क। तो 20% का जब पर्क अनलॉक होता है ना उसके पहले आप लोग क्या करोगे, यार ये डेफिनेटली है यहाँ पे जब भी सीजनल चैलेंजेस आता है तो ऑलमोस्ट 3rd वीक के बीच है यानी 15 दिन जब हो जाता है तब जाके आप लोग का 20% तक का बिल्डर बूस्ट आप लोग के पास आता है। तो उसके पहले जब आप लोग के पास बिल्डर बूस्ट नहीं रहेगा तब उन सारे बिल्डिंग्स को आप लोग को वैसे वैसे बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना है जो बहुत कम कॉस्ट ले और बहुत कम टाइम ले। तो क्लैशर्स जैसे ही आप लोग का यहाँ पे 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है बिल्डिंग अपग्रेडेशन टाइम और कॉस्ट पे, तो आप लोग उन सारे बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना जिसका टाइमिंग और जिसका रिसोर्स सबसे ज्यादा हाई है आपके विलेज में। ओके, अब उसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे वैल्यूएबल चीज मैं बताता हूँ, आपके हीरोज। गाइस यहाँ पे डेफिनेटली अगर गोल्ड पास को परचेस करते हो तो अपना पूरा का पूरा फोकस बिल्डिंग और हीरोज पे ज्यादातर लगाना यार, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग बता रहा हूँ, यस आप लोग को यहाँ पे लेबोरेटरी बूस्ट भी मिलता है 20% का, बट प्लस आप लोग एट अ एंड देखोगे तो आप लोग का हीरोज के लेवल और आपके कुछ बिल्डिंग्स के लेवल ही बच जाएंगे, आपका लेबोरेटरी पहले ही मैक्स हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादातर फोकस करना चाहूंगा कि 2 बिल्डर, अगर आपके पास 4 हीरो है तो मिनिमम 2 बिल्डर्स तो आप लोग अपने हीरोज को अपग्रेड करने पे रखना ही रखना, अगर आप गोल्ड पास परचेस किए हुए हो तो ज्यादा वैल्यू रहेगा आप लोगों का क्लैश ऑफ क्लैन में, ज्यादा वैल्यूएबल आउटकम निकलेगा क्योंकि हीरोज जल्दी अपग्रेड भी हो जाते हैं और रिसोर्स काफी लेते हैं डार्क लेजर का, उस पर 20% डिस्काउंट और टाइम पे मिलता है तो जल्दी आपके हीरोज मैक्स होंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज निकल के आता है कि गाइस कि किस समय आप लोग को क्या क्या करना है,
मतलब यहाँ पे जब गोल्ड पास परचेस करते हैं क्लैशर्स, तो यहाँ पे गोल्ड पास के फायदे पुशिंग में भी है, फार्मिंग में भी है। अब देखो यार, यहाँ पे ट्रेनिंग बूस्ट तो आप लोगों को फिर यहाँ पे 20% का मिलता ही मिलता है, तो जिससे जल्दी आर्मी ट्रेंड हो जाता है, तो पुशिंग करने में थोड़ा हेल्पफुल रहता है। बट अगर आप लोग का बेसिस मतलब सेमी मैक्स भी है, यानी मैक्स नहीं है, सेमी मैक्स या सेमी मैक्स के नीचे है, जल्दी आप लोग टाउन हॉल अपग्रेड किए हो, तो गाइज उस केस में मैं हाईली प्रिफर करूंगा कि आप लोग फार्मिंग करो, फार्मिंग बेबी ड्रैगन या फिर गिवॉर्च या फिर सुपर गॉब्लिन से कर सकते हो अपने टाउन हॉल के रेस्पेक्ट में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हम लोग का फार्मिंग का, तो ऊपर आई मार्क पे क्लिक करके देख लो, वहां पे मैं सारी डिटेल्स आप लोग को बताया हुआ हूँ। तो गाइज इस तरह से अपने बेसिस को और भी आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो जल्दी अपग्रेड, जल्दी मैक्स करने में, अगर आप गोल्ड पासेस परचेस करते हो तो। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 3 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कवर करना है गाइज, जैसे ही आप लोग का सीजन एंड होता है, ये गाइज जो गोल्ड पास नहीं परचेस की हो, जो गोल्ड पास परचेस की हो, ये दोनों लोग के लिए, जो गोल्ड पास परचेस नहीं की उनको लगभग यहाँ पे शायद कितना का मिलता है यार, मुझे शायद उतना याद नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट फिर भी नहीं तो शायद 50 ऑलमोस्ट शायद नहीं भी तो 50 लाख का यहाँ पे गोल्ड एलिक्सिर तो देखने को मिलता ही होगा सीजनल बैंक में। तो सीजनल बैंक का किस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लोग कुछ क्या करते हैं कि एज ए स्टार्टिंग में ही ना सारा का सारा सीजनल बैंक का जिधर चाहे उधर लूट को स्पेंड कर देते हैं। यस, ये जरूरी है क्योंकि आगे जब अपडेट करोगे या फिर आगे आप लूटने जाओगे, तो जो रिसोर्स आपका लूट के लाओगे वो सब बर्बाद ही हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं 100% मेंशन करना चाहूंगा क्लैशर्स कि आप लोग सीजनल बैंक का अपने वोस पे इस्तेमाल करो। वोस एक वन ऑफ द वैल्यूएबल चीज होगा जो कि आप लोग का यहाँ पे सीजनल बैंक के रिसोर्सेस को लूटने में हेल्प करेगा, यानी मतलब स्पेंड करने में। और साथ में आप लोग जो डार्क लिग्जे मिलते हैं ना, उस समय आप लोग ये प्लान करके रखना कि अपने दोनों हीरोज उस समय तक टाइम तक खाली हो जाए और वो दोनों के दोनों हीरोज फिर से अपग्रेड पे लग जाएं, क्योंकि डार्क लिग्जा आपके पास बहुत सारा होगा। और यहाँ पे लेबोरेटरी में भी आप लोग ये प्रीफर करना कि आप लोग डार्क के ट्रुप्स ही लगाओ, तो ऐसे में आप लोग का सारे डार्क इस्तेमाल हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप लोग अपने बेसिस को मैक्स करने के लिए अनदर वेव फार्मिंग का स्टार्ट कर पाओगे, यानी जो फार्मिंग करके आओगे वो फिर आप लोग का बेसिस में स्टोर रहेगा, अगर स्टोरेज आप लोग लगभग इस मेथड से खाली कर देते हो तो। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को एक अच्छा वैल्यूबल है 8 लाख का रिसोर्स मिल रहा है, तो इसे हम लोग लूटते हैं। ओके, ऐसे रिसोर्स पे हमला करना ये बहुत ही वैल्यूबल चीज़ होगा हम लोग के लिए, और ख़ास करके सुपर गॉब्लिन है तो फिर तो काम और भी आसान हो जाता है। एक एक सुपर गॉब्लिन एक रिसोर्स पे हम लोग ड्रॉप करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग सारे तरफ के रिसोर्सेस को लूट लिए आई थिंक। लेट्स सी, लूट लिए यार, सारे के सारे रिसोर्सेस को लूट लिए। वाह, 7 लाख तुरंत ही आ गया हम लोग के हाथ थे। और यहाँ पे एक डार्क लिग्जर कहीं पे बचा हुआ है, आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा सेंटर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बस मुझे यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सीज मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीज मशीन का क्यों ही इस्तेमाल करेंगे, एक काम करता हूँ रॉयल चैम्पियंस की हेल्प से एंड क्वीन की हेल्प से थोड़ा एरिया में क्लियर करवा लेता हूँ, उसके बाद जो सुपर गॉब्लिन है वो शायद यहाँ पे डार्क लिग्जर को लूट लेगा। ओके, मुझे एक जंप स्पेल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ वॉल ब्रेकर्स अगर हम लोग लेके जाते तो ज़्यादा वैल्यूबल होता हम लोग के लिए। और कहीं पे डार्क कलेक्टर तो है नहीं, 800 कहाँ बचा हुआ है भाई, किंग की बूस्टिंग कर चुके हैं। ओके, स्टोरेज में था, हम लोग लूट लिए, 1 स्टार ले आएंगे, 1 स्टार लाना ज़रूरी है, क्वीन की बूस्टिंग कर देते हैं, आ गया, एंड करते हैं। तो ये काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ होता है हम लोग को लूटने के लिए। और फिर स्टिल हम लोग दूसरे अटैक्स के लिए प्रीप्लान्ड हो गए तुरंत ही, एग्जैक्ट 1 अटैक करने के बाद। आई होप सो आप लोग का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप गोल्ड पासेस परचेस करते हो तो क्लैश ऑफ क्लैन को प्ले करने में, और नहीं करते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस तरह से आप लोग अपने बिजनेस को मैक्स कर सकते हो। ये कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर भी होगा आप लोग के लिए, जस्ट लाइक सीजनल बैंक वाला जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो क्लैशर्स हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन क्लैशर्स।